Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. मैं कंवर सिंह तंवर, मेरी लोकसभा अमरोहा उत्तर प्रदेश। मेरे यहाँ इस लोकसभा में दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर ये दूरी है और इस लोकसभा में 2014 तक यहाँ पर जो बिजली का जो काम था पूरे लोकसभा में वो 108 गांव ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। छोटे छोटे गांव में लालटेन बिकती थी और उससे बच्चे पढ़ते थे तेल जला करके। और आज हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये जो कदम उठाया देश में जो गांव में बिजली नहीं है और बिजली तक, तो मेरे को मेरी लोकसभा में बहुत बड़ा काम बिजली का हुआ। 108 गांव में बिजली पहुंच गई। करीब करीब 750 करोड़ रुपया मेरे यहां बिजली के लिए लगे हैं। और दूसरा, यहाँ सड़क बहुत बेकार थी, करीब करीब 600 करोड़ से ऊपर मेरे को सड़कों का पैसा मिला है, जिसमें 280 करोड़ रुपया यहाँ पर हमारे सीआरपी मतलब सेंट्रल जो फंड होता है, सेंट्रल हमारे रोड फंड होता है, उसमें से हमको 280 करोड़ मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी की बड़ी एक समस्या थी, पानी जमीन में बहुत खराब है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने यहाँ गहरे बोरिंग कर रहे हैं और गांव में टंकियां बन रही हैं, बड़े बड़े वो टैंक बना करके गांव में सप्लाई कर रहे हैं। तो आज के दिन 2014 से अब तक 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल में जनता का यहाँ गांव में किसान का, मजदूर का, सबका जो विकास के काम हुए हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को भी और हमारे यहाँ सब किसान भाइयों को भी, उन्होंने पहले दिन भी देखे थे, 2014 से पहले भी देखा था, 2014 के बाद भी उन्होंने देखा है। तो 2014 से और जो अब तक जो काम, जो विकास हुआ इस क्षेत्र में, इससे पहले कभी चाहे किसी की सरकार रही और खास करके जो पहली सरकार रही, उन्होंने मनमुटाव किए, आपस में यहाँ लड़ाइयाँ करी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास। हमने यहाँ के हर समाज के लोगों का विकास किया है, हर समाज के लोगों को दुख दर्द, माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मैंने करीब करीब 4 करोड़ रुपए यहाँ लोगों को दिलवाया है, जिनका इलाज हुआ है, जिन लोगों को जिनके किडनी खराब थी, जिनके पानी की वजह से प्रॉब्लम थी, तो ऐसे मैंने बहुत काम यहाँ क्षेत्र में करवाए। एमपी लैंड के जो हमें फंड मिलता है वो 5 करोड़ रुपए पर साल मिलता है। मेरी 5 विधानसभा है, उनमें 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा का मिलता है। करीब करीब मेरे यहाँ 2200 गांव है मेरी लोकसभा में, वो तो 2200 गांव है, मेरे को टोटल 25 करोड़ रुपया मिलेगा 5 साल में। और अभी तक मेरे को 22.5 करोड़ रुपया मिल चुका है और मैंने 22.5 करोड़ रुपए के अपने गाँव में विकास के काम मैंने वो लगा दिए हैं। एक किस्त हमारी बैलेंस है 2.5 करोड़ की, वो और आने वाली है, तो हो सकता है वो उससे पहले पहले हम इलेक्शन से पहले वो पूरा कर दें। और गांव में जैसे इस निधि का बहुत फायदा होता है, भाई गांव में शमशान नहीं है, वहां शमशान बना दिए, जहां पर स्कूल के आसपास गांव से बच्चे स्कूल में जाते वो रोड नहीं बन पाया, वो रोड बनवा दिए हैं। तो ऐसे हमने वो सारा अपना फंड हमने इस्तेमाल कर लिया है और एक किस्त है वो लास्ट की, वो भी आने वाली है बहुत जल्दी, हम उसको भी हमने ऑलरेडी प्रस्ताव दिए हुए हैं, तो आते नहीं हमारे वो लग जाएगा। एक हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा काम हमने किया है, गुरुकुल है, चोटीपुरा गुरुकुल के नाम से बड़ा फेमस गुरुकुल है, बच्चियों के लड़कियों का है, और ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में एक पहला बड़ा इतना गुरुकुल है जो वहां पर इतनी लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं। तो वहां मैंने अपने एमपी लैंड से अभी 25 लाख रुपए में वहां पर मैंने बिजली का अपने सूर्य प्लांट, ये पावर प्लांट लगवाया वहां, तो जिससे वहां बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है हमारे इसमें सूर्य ऊर्जा से।